हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और मेरी ड्यूटी है मॉर्निंग की। आज हम जा रहे हैं ड्यूटी को और अभी हो रखा सुबह के 10:30, 10:40 हो रखे हैं और अभी हम सॉरी 10:50 हो रखे हैं। हम जा रहे हैं ड्यूटी को और हम पहुँच चुके हैं मॉल के बाहर। अब मॉल के अंदर एंट्री कर रहे हैं अभी हम। मॉल पर चेकिंग हो रही है, उसके बाद हम किचन में जाएंगे। तो आज बताएंगे कि आपको सुबह सुबह क्या क्या काम होता है। हम इस ब्लॉग पर दिखाएंगे आपको सुबह सुबह क्या क्या काम किया हमने आज। आज हम ब्रेक जाएंगे तो ब्रेक में भी दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट के नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे हैं हम अभी। और अभी हम किचन, अपने जो रेस्टोरेंट है इम्पल्स, ये जो यहाँ पर दिख रहा है इम्पल्स, इसके हम बाहर आ चुके हैं गेट पर। गैस, अभी सुबह के टाइम पर थोड़ा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सारे रेस्टोरेंट ओपन होने वाले हैं। हम पहुँच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर और आज भी अभी रेस्टोरेंट में अभी 10:50 के टाइम टाइम हो रखा है। और अभी जो सर्विस में जो लड़के हैं अभी वो आए नहीं हैं। हम जा रहे हैं किचन में और अभी मैंने किचन में शेफ कोट पहन लिया, अपना कोट चेंज कर लिया। सबसे पहले हम अपना जो हमारा भट्टी है जिसमें हम ऑर्डर लगाते हैं, पहले हम उसकी सफाई करेंगे और उसके बाद हम फ्रिज चेक करेंगे। फिर देखते हैं गाइस आगे क्या क्या काम करना है हमको, उसके बाद बताएंगे हम आपको, आप देखते रहिए लास्ट तक। तो गए जैसे कि अभी जो रात को क्लोजिंग करके गया था, तो उसके बाद अभी मैं सुबह भट्टी पे पानी मार लेता हूँ, थोड़ा साफ सफाई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चेक करूँगा। फिर उसके बाद देखूँगा क्या क्या काम करना है मेरे को। तो तब तक आप लोग बनिए लास्ट तक, मैं बताऊँगा कि होटल में शुरुआत में सुबह सुबह आके हमको ड्यूटी में क्या करना पड़ता है, क्या क्या कैसे काम होता है, मैं सब बताऊँगा आपको। आप लोग बनी रहे लास्ट तक। तो गए जैसे कि हम कैप्सिकम हमने काटा, तो हमको कटिंग करनी थी सुबह। सारा कुछ जो मिर्चा था हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैंने सबसे पहले कैप्सिकम खोल लिया, कैप्सिकम हमने सीडलेस किया। उसके बाद कैप्सिकम डाइस कटिंग के लिए काटेंगे, थोड़ा चॉप थोड़ा जुलिन करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर अभी थोड़ा स्टाफ आ गया, तो यहाँ पर अभी थोड़ा ऑर्डर ज़्यादा रखे हैं, तो इसलिए किचन में थोड़ा काम हो रखा है अभी। और हम अभी थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा ब्लॉगिंग आपको थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पर जो काउंटर का जो शेफ है यहाँ पर पिज्ज़ा लगा रहा है, और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर सारे सारे जो शेफ लोग हैं अभी अपने अपने काम पर बिजी हैं। तो कुछ लोगों के जिनके ऑर्डर आ रखे हैं ऑर्डर लगा रहे हैं, जो लोगों के ऑर्डर नहीं आ रखे हैं वो थोड़ा कहीं पर बैठे हैं, कोई बात कर रहा है अपनी किसी से, तो ऐसे ही सब लोग टाइम पास कर रहे हैं अभी। और कुछ लोग जिनके ऑर्डर आ रखे हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट ऑर्डर लगा रहे हैं, थोड़ा बिजी हैं। तो गैस इस तरीके से होटल में थोड़ा काम होता है, जब जब किचन में थोड़ा काम होता है, जैसे ऑर्डर आते हैं तो काफ़ी सारे लोग अपने ऑर्डर में बिजी रहते हैं, तो किसी को टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी जैसे इनके पास पिज़्ज़ा का ऑर्डर, ये जो क्वांटिटी के शेप है पिज़्ज़ा लगा रहे हैं अभी, इनके पास अभी पिज़्ज़ा का ऑर्डर रखा है। और जब किचन में तो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिलता है, सब मुझे भी काम करना पड़ता है, तो सब काम में बिजी हो जाते हैं। और जब काम नहीं रहता तो लोग अपने अपने उसमें मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई वहाँ कोई वहाँ, तो ऐसे ऐसे ही करते हैं लोग किचन में। और अभी थोड़ा शाम सॉरी दिन का टाइम है, तो दिन में अभी थोड़ा एक दो ऑर्डर आ रखे हैं। इसके बाद मैं खाना खा के ब्रेक जाऊंगा, तो ब्रेक में दिखाऊंगा कि फिर शाम को वापस आऊंगा, फिर शाम का जो काम होगा वो बताऊंगा मैं आपको। तो गैस अभी बज चुके हैं 3:30, अभी बज चुके हैं 3 और हम जा रहे हैं ब्रेक। 3 बजे हमारा ब्रेक का टाइम रहता है, अभी हम ब्रेक जाएंगे, शाम को फिर 7 बजे वापस भी आना है, फिर दिखाएंगे आप लोगों को कि शाम का काम क्या क्या होता है। तो हम जा रहे हैं ब्रेक को, अभी हम एक्सीलेटर में जाएंगे नीचे को, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है तो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर में हम जाएंगे। और बाहर जाने के बाद देखते हैं कि धूप लग रही नहीं लग रही है, शायद बहुत धूप भी लग रही थी सुबह, तो अभी भी धूप होगी बहुत ज़्यादा। हम पहुँच चुके हैं फाइनली बाहर, और बाहर लग रही है बहुत ज़्यादा धूप, तो गैस धूप लग रही है बहुत ज़्यादा अभी, और धूप में आके भी हम खोल नहीं पा रहे फिर, लेकिन धूप लग रही है बहुत, गर्मी भी हो रही है, 2-4 दिन से बारिश नहीं हो रखी है। तो हम रूम को जा रहे हैं और हम शाम को 7:30 वापस आना है ड्यूटी पे। तो गाइस जैसे कि अभी बज चुके हैं शाम को 7 बज चुके हैं, अभी 7 बजने वाले हैं, सॉरी अभी 6:55 हो रखे हैं। हम हैं होटल के बाहर, हम जा रहे हैं शाम, हम दिन में ब्रेक गए थे और हम अभी जा रहे हैं वापस, शाम को 7 बजे ड्यूटी पहुँचना है। शाम के लिए हम ब्रेक आए थे, तो 7 बजे ड्यूटी पहुँचना है, अभी हम ड्यूटी को जा रहे हैं और अभी हम फिर शाम को सॉरी सॉरी रात को हम 11 बजे वापस आ जाएंगे। तो अभी 11:07 करेंगे हम, तो हम होटल में जाएंगे, दिखाते हैं आपको कि होटल में भी शाम के टाइम पे क्या क्या काम क्या क्या काम है अभी। आज थोड़ा फ्राइडे है तो थोड़ा काम रहेगा,
तो हम किचन पहुंच चुके हैं फाइनली। यहाँ पर जो क्वांटिटी का शेफ है फिश फिंगर बना रहे हैं, और यहाँ पर सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, सब अपने अपना काम कर रहे हैं इस टाइम पर। तो ये जो शेफ है यहाँ पर चिकन काट रहे हैं, चिकन विंग्स। ये अभी चिकन विंग्स को ग्रीन चॉपिंग बोर्ड पर काट रहे हैं, जबकि उसमें काटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर तंदूर के शेफ भी चिकन काट रहे हैं। ये भी यहाँ पर बन रहा है कबाब, हरा भरा कबाब बना रहे हैं अभी। तो किचन में इस तरीके से थोड़ा काम होता है। तो गाइस जैसे कि हम अगली वीडियो में मैं जैसे प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा, अभी मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा पूरा वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि धीरे धीरे आपका सपोर्ट आपका प्यार रहेगा तो हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए अभी वीडियो अच्छी नहीं बना पा रहा हूँ मैं। तो जैसे कि धीरे धीरे थोड़ा सीख रहा हूँ तो आप लोगों का प्यार आशीर्वाद सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे आपको होटल में क्या काम होता है, सुबह जो सुबह आते हैं, जो दिन में आते हैं, जो इवनिंग या मॉर्निंग में आता है, वो उनका क्या क्या काम रहता है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। होटल के अंदर क्या क्या काम होता है मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहना चाहिए। तो क्या ये बज चुके हैं रात के 11 और हम जा रहे हैं, हमारी छुट्टी हो चुकी है, अभी अभी हम जा रहे हैं घर को। तो हम रूम पर जा रहे हैं, तो अभी रात शाम को 11:15 हो रखे हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों का प्यार बना रहा तो आगे मिलेंगे।